Hey guys, what's up? This is one only Dipan Chon and you guys are watching another damn Dipan Gama. Last vlog के अंदर मैंने एक चीज promise किए थे कि हर एक हफ्ते में एक ना एक vlog और नहीं तो video definitely आना चाहिए. बट अभी सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा हो गया कि कोरोना वायरस के चक्कर में भाई बाहर जाना तो लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी रिस्की एंड बाहर जाना भी नहीं चाहिए. यस्टरडे आई केम लाइव फ्रॉम माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करके बहुत यूनिक आइडिया मुझे दिए. इंटॉक का यूजर रिव्यू बना, देन आई थॉट ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. तो नीचे जाके आराम से आई कैन शूट अ यूजर रिव्यू ऑफ माय इंटॉक. डेफिनेटली आई विल मेक अ यूजर रिव्यू अबाउट इंटॉक, सम प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली आई विल शेयर वंस अगेन. क्योंकि ये प्रोज एंड कॉन्स जब मैंने शेयर किए थे मेरे इंटॉक के ऊपर, वही वीडियो सबसे पहले मेरा वायरल हुआ था एंड वहां से मेरे को बहुत ही अच्छा खासा व्यू भी आए थे, बहुत गालियां भी पड़े थे एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मैंने गेन किए थे वो सारे वीडियोस के साथ. बट इन टुडेस व्लॉग आई विल डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नहीं, क्योंकि इट्स लाइक वेरी नॉर्मल बट लोग इतना ना खास करके नहीं दिखाते. तो आई विल शो यू गाइस दैट हाउ आई वॉश माय बाइक, क्योंकि इंटरसेप्टर 650 बहुत ज्यादा गंदा है एंड बहुत दिन हो गया मैंने स्टार्ट भी नहीं किया. तो एक बार जाएंगे स्टार्ट भी करेंगे, कोल्ड स्टार्ट करेंगे बाइक को. आई नो थोड़ा बहुत लेम लग सकते हैं आप लोगों को सुनने में, कैसे वॉश करते ये क्यों देखेंगे, बट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देखो भाई अभी ना मौका नहीं मिल रहा है कि बाहर जाके कुछ कंटेंट शूट करने का, तो जो चीज मेरे दिमाग में आए कि हाँ ये कंटेंट हम शूट कर सकते हैं तो देन आई थॉट लेट्स मेक इट. एंड वन मोर थिंग बिफोर मूविंग इनटू दिस व्लॉग, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस विद फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय गवर्नमेंट. तो प्लीज फॉलो देम, वॉश योर हैंड बाय सैनिटाइज. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने एक पोस्टर देखे थे जहां पे लिखा हुआ था कि कर्फ्यू इज नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू. डेफिनेटली इट्स केयर फॉर यू भाई, घर में रहो, आराम से रहो, मौका मिल गया देश के लिए कुछ करना, मौका का फायदा उठाओ और देश के लिए कुछ करो. बाहर मत जाओ, घर में रहो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आराम से रहो. ऑलवेज यूज मास्क. नीचे अगर जाना है तो ऐसे करके मास्क पहन के जाना इज लाइक वेरी गुड. एंड और एक चीज मुझे मेंशन करना है, ये जो कर्फ्यू, ये जो लॉकडाउन चालू है पूरे देश में, अगर आपको ये चीज का प्रोटेस्ट करना है ना, बाद में प्रोटेस्ट करना, अभी के लिए फॉलो कर लो भाई, क्योंकि ये हम लोगों के भले के लिए. अगर ज्यादा सोशल गैदरिंग्स होंगे तो कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का चांसेस और भी ज्यादा हो जाए. तो हाथ जोड़ के विनती है मेरा, आराम से रहो, घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे क्लीन एंड ऑलवेज यू नो मेंटेन हाइजीन. वंडरिंग दैट आपका भाई दीपांगा मैंने अचानक से ये केकेआर मींस कोलकाता नाइट राइडर्स का जर्सी क्यों पहने. देखो अप्रैल में हर साल होता है आईपीएल, लेकिन अभी तो आईपीएल फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस. अलमारी के अंदर जर्सी थे, मैं बाहर निकाला उसको और उसके बाद पहन लिए. एंड ये बहुत पुराना जर्सी है, देख सकते हो जियो नहीं, अभी तो फिलहाल नोकिया आ गया. एंड पीछे में आई होप आप देख सकते हो 23 दीपांजन. 23 क्यों? क्योंकि 23 इज माई लकी नंबर. एंड वाई 23 इज माई लकी नंबर? बिकॉज 23 गौतम गंभीर का जर्सी नंबर थे. अच्छा और एक चीज दिखाते कि कौन सा प्रोडक्ट आई यूज टूडे. आई यूज कंगारूज चेन क्लीनर एंड चेन ल्यू. एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई कंगारू बाई एनी चांस. मेरे को अच्छा लगता है प्रोडक्ट, इसलिए मैं यूज करता हूँ. एंड ये है रॉयल एनफील्ड का रस्ट क्लीनर. अभी तो फिलहाल बाइक के अंदर रस्टिंग नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई टू यू नो फाइंड आउट सम रस्ट एंड उसको क्लीन करेंगे. चलो फिलहाल जाते हैं नीचे एंड उसके बाद दिखाते हैं. जितना मैंने सोचा था उतना भी गंदा हुआ नहीं भाई, एक बार देख लो, क्योंकि मैं कवर चढ़ा के ही रखता हूँ हमेशा. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. हे यूरान, हाउ आर यू? आई कैन फील फॉर यू. उधर कोरोना वायरस में भी तुम बाहर रह रहे हो, लेकिन क्या करे जी, थर्ड फ्लोर में रहते हैं, ऊपर लेके जाए तो पॉसिबल नहीं है. बहुत जल्दी ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, इसीलिए फॉर मेंटेनिंग हाइजीन आई विल वॉश यू. बहुत दिन से स्टार्ट नहीं किए तो करते एक बार स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट, उसके बाद देख स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट 7 to 8 डेज हुआ है. तो लेट्स ट्राई फॉर इट. इतने दिन बाद जब ये एग्जॉस्ट नोट मेरे कानों के अंदर आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग. एंड और एक तरीके का मास्क होता है, वो मुझे लेना है, लेकिन फिलहाल ना ब्लैक मार्केट चालू है मास्क के ऊपर, बहुत ज्यादा प्राइस, जो करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं. हर एक चीजों में बिजनेस करना है भाई. कोल्ड स्टार्ट हो गया खत्म, अभी नॉर्मल आरपीएम में बैक कर गया भाई, ऑफ कर देते हैं. ये हेडलाइट ना बहुत ही अनोइंग है, ये मुझे चेंज करना है. अभी फिलहाल बजट नहीं है, बट स्टिल आई विल चेंज इट वेरी सून. एक चीज देखो, एटलीस्ट 300 टू 400 किलोमीटर मैंने राइड कर लिए आफ्टर क्लीनिंग एंड यू नो ल्यूविंग माई चेन, बट स्टिल कंडीशन देखो चेन का, इसीलिए रेफर करते हैं भाई गो फॉर कंगार. डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो, यहाँ पे ना रस्टिंग है थोड़ा करके, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड स्पेशली यहाँ पे देखो, लेट मी फोकस ऑन दिस. हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत रस्टिंग है, पूरे बाइक के अंदर सिर्फ रस्टिंग हुआ है फ्रंट डिस्प्लेट के अंदर. तो उसके लिए मेरे पास है रस्ट क्लीनर ऑफ रॉयल एनफील्ड इटसेल्फ. सो लेट मी अप्लाई दिस रस्ट क्लीनर, इसको भी देते थोड़ा थोड़ा करके.
आज तो देखेंगे रस्ट क्लीनर वाकई काम करते हैं कि नहीं. एंड प्लीज डोंट माइंड, आई विल यूज दिस हाफ पैंट ऑफ माइन टू क्लीन दिस बिकॉज आई डोंट हैव माइक्रोफाइबर क्लोथ, वो मुझे लेना भी है. प्राइस है 280 rupees एंड आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. एंड उसके साथ ही साथ अभी रिजल्ट देखो, कॉन्स्टेंटली रब करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा रस्टिंग गया है बट पूरा क्लियर नहीं हुआ है. आई डोंट थिंक सो ये वर्थ है, तो कोई नहीं फिलहाल इसको छोड़ते हैं एंड करते बाइक को वॉश. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो सुन लो. हर रोज अगर बाइक वॉश करते हो पानी के साथ वो मत करो क्योंकि अच्छा नहीं होता. 2.5 months, 3 months, अगर एक महीने भी एक बार करे हो तब भी ठीक है क्योंकि क्या होता है ना, कोलकाता का पानी उतना अच्छा नहीं है, इसमें आयरन रहता है. एंड ये वॉशिंग के टाइम वीडियो शूट करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. आप लोग थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो, उसके बाद दिखा दीजिए कि आउटकम और नहीं तो रिजल्ट कैसा. फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया, अभी सेकंड स्टेप क्या है कि इसको शैम्पू के साथ वॉश करना है. एंड मेरे पास जो बोलते हैं ना बाइक शाइनर फाइनर, वो कुछ नहीं है, नॉर्मल शैम्पू के साथ इसको वॉश करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आउटपुट कैसा है. 2000 years शैम्पू तो लगा दिया बाइक के अंदर बट प्लान एकदम फ्लॉप हो गया क्योंकि ये जो शैम्पू मैंने यूज किया था, आई डोंट नो कौन सा ब्रांड का ये शैम्पू है बट एकदम भी ना इसमें फोम नहीं होता है. बट टू गिव यू गाइस एन आइडिया, इसको देखो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा करके फोम है. सिर्फ पहुंचना है बाइक को जो कि लास्ट स्टेप है. आई डोंट नो आप लोग एंजॉय किए कि नहीं ये वाला व्लॉग को, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइस क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कि अगर आप लोग बोर हो रहे हो, अगर मेरा एक 10 मिनट का वीडियो 8 मिनट का वीडियो देख के आप एंटरटेन होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. तो वो रीजन के लिए एक लाइक जरूरी है, एक लाइक करके जाना. एंड इफ यू वांट टू शेयर योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, प्लीज फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग. अभी इसको पहुंचना है बट उससे पहले लेट मी शो यू गाइस वन मोर थिंग अबाउट माई सेंट्रो. यहाँ पे देखो किसी ने यहाँ पे स्क्रैच कर दिए है भाई, नया गाड़ी के अंदर स्क्रैच. एंड ये जो कलर है ना स्टार डस्ट, इसीलिए ये स्क्रैच उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है. अगर रेड होते, वाइट होते, ब्लैक होते तो बहुत शानदार तरीके से ये स्क्रैच दिख जाता, लेकिन आई होप आप देख सकते हो इधर पे, यहाँ पे देखो ऐसे करके ना स्क्रैच कर दिए किसी ने. एंड ये नीचे वाला पोर्शन में भी कर दिए, क्या बताए भाई नया गाड़ी है. एंड आपका भाई दीपांक का मैंने लास्ट ब्लॉग के अंदर एक चीज़ शेयर किए थे, दैट इज़ वी आर गोइंग फॉर अ प्री ओन्ड कार, तो वो प्लान में शायद एक चेंज आ गया एंड राइट नाउ द प्लान इज टू बाई अ ब्रांड न्यू कार. सो लेट्स प्ले अ गेस गेम वन सेकेंड, अगर आप लोग सही तरीके से वो गेस कर लिए कि कौन सा गाड़ी मैंने चूज़ की है, क्योंकि मेरे को तो फिलहाल पता है कि कौन सा गाड़ी मैं लेने वाला हूँ, बट जो भी होगा 27th of March के बाद. सो लेट मी गिव यू सम हिंट्स अबाउट द न्यू कार. इट मे बी ऑफ फोर्ड, इट मे बी ऑफ टाटा, इट मे बी ऑफ हुंडई, इट मे बी ऑफ मारुति सुजुकी, इट मे बी ऑफ और कौन सा ब्रांड है, होंडा. तो पांच ही ब्रांड मैंने बता दिए. कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जाके एक चीज़ कर सकते हो कि अगर होंडा है तो कौन सा गाड़ी, टाटा है तो कौन सा गाड़ी, मारुति सुजुकी है तो कौन सा गाड़ी, हुंडई तो कौन सा गाड़ी, होंडा तो कौन सा गाड़ी, ऐसे करके कमेंट करके बताओ. और एक कमेंट अपन चेक करते, तो आप लोग एक बार कमेंट करके देखो अगर किसी ने सही गेस कर लिए वो कमेंट अपन शो करेंगे डिलीवरी वीडियो में. उसके लिए कुछ खास गिव अवे भी होंगे, सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द वेरी फर्स्ट गिव अवे ऑफ दीपांक गामा, तो ऐसे करके कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट करो. मेरे एग्जाम के लिए अगर अपडेट आपको चाहिए तो एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो गया एंड शायद एग्जाम होगा 15th of April के बाद. तो यार डन विद दी वॉशिंग ऑफ बाइक एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस. बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि ये जो सीट आपने मॉडिफाई करके बना दिया वो वाटर लीकेज होता है भाई, पानी के साथ वॉश के बाइक, ठीक है देखो एक बूंद भी पानी नहीं गया इसके अंदर, दिस इज नॉट अ बिट वेट. एक ही चीज बाकी है, दैट इज चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूबिंग, अभी उसको करते कंप्लीट के बाद मेरा आज के लिए काम हो जाएगा खत्म. चेन क्लीन तो कर दिए, अभी फिलहाल कंडीशन देख लो चेन का, एज यूजुअल बहुत ही अच्छा आउटपुट है इसका.
डन विद एवरीथिंग, जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाप रे बाप। अगर आज का ब्लॉग कोई भी रीजन के लिए अच्छा लग गया तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन इज योर्स। अगर पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में तो पार्टिसिपेट कर सकते हो कमेंट करके। सेफली रहो एंड हाइजीन मेंटेन करके रहो, ठीक है।